हे प्रभु, मैं आपको स्तुति और आराधना करते हैं, ताकि तूने हम लोग पापमय व्यक्ति होते हुए भी हमारा शरीर धारण करते हुए मनुष्य बन के आया। यही आपका प्रेम का सबसे बड़ा तोहफा। हम लोग आज सुना है कि ईश्वर प्रेम है। हम सुना है आदम पाप किया हुआ आदम डरते हुए ईश्वर से दूर होकर छुपा कर बैठा, क्योंकि वो डर गया। लेकिन प्रभु उसको ढूंढ के आया। प्रभु ने उसको बुलाया, तुम कहाँ हो? वो बुलावा प्रभु का प्यार का बुलावा है। वो प्यार क्या हुआ आदम को, उन्होंने शिक्षा नहीं दिया, उसको बचाने का योजना किया। वही है प्रभु यीशु, उनको बचाने का, उनका पाप से मुक्ति देने का। प्रभु दया है, दया सागर है। प्रभु का प्रेम कितना है, हम लोग क्या पढ़ा? प्रभु का प्रेम कितना है? प्रभु का प्रेम का मापी क्या मापी कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो अनंत है। द लव ऑफ गॉड इज बियॉन्ड मेजर। वो थोड़ा मन में ले लो, मन में विचार कीजिए। मुझे एक पुराना भजन याद आता है, प्रेम बुद्धि से मन से कहो यीशु नाम, प्रेम बुद्धि मन से कहो यीशु नाम, यीशु नाम। सब लोग प्रेम बुद्धि मन से कहो यीशु नाम, यीशु नाम। सब लोग प्रेम बुद्धि मन से कहो यीशु नाम, येशु येशु नाम। क्या बाकी मालूम है क्या? प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम। सब लोग प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम। वही दोहराइए, प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम। येशु येशु नाम, येशु येशु नाम, येशु येशु नाम। प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम। अभी हम लोग और एक चीज सीखा है, येशु हमारे लिए कौन है, हमारे लिए कौन है? येशु हमारा भाई है। क्या आप विश्वास कर सकता है कि आपको ऐसा एक भाई है, वो ईश्वर है, और प्रभु हम सबों को उनका भाई बहन समझते हुए हमारे लिए जीवन तक देते हुए हमें बचाने के लिए योजना किया है। हम भले कि कितना भी पापी हो, इसलिए यशायाह ग्रंथ का नबी का ग्रंथ में लिखा है, तुम्हारे पाप सिंदूर जैसे लाल कम न हो, मैं उसको हिम जैसा उजाला कर दूंगा, हिम जैसा। प्रभु हमें रक्षा देने के लिए आया, हमें दंड देने के लिए नहीं आया।
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए बलिदान किया ताकि जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। उसके बाद लिखा है योहन का सुसमाचार अध्याय 3:17 में, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। ओ, देखते हुए प्रभु का ये वचन सुनिए, प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, मैं सच्ची गडरिया हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, रोटी जीवंत रोटी, क्योंकि ये जीवन है और वो जीवन इंसान को देने के लिए है। और उन्होंने कहा जो मुझसे खाएगा और मेरा रक्त पिएगा तो उसको क्या होता है, वही कृपा होता है। कृपा क्या है, ईश्वरीय जीवन इंसानियत में बहता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रोटी जैसा बन गया कि तुम मेरे मुझे खाओ, तुम मुझे खाओ, तुम मेरे जीवन को खाओ ताकि तुम्हारा जीवन पवित्र बने। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुराइयां हैं मेरा जीवन दूर करे। प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम, कहिए प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम, प्रेम मुदित मन से कहो येशु येशु नाम, येशु येशु नाम। हम लोग इधर यीशु के लिए आया, यीशु हमारे बीच में है। बर्तमेयुस नामक एक व्यक्ति यीशु के बारे में सुने थे, वो उसने बर्तमेयुस ने यीशु को सुना, बहुत लोग बोलते यीशु बहुत लोगों को चंगाई करते हैं। वो एक अंधा था, उसने ऐसा सोचा यीशु एक दिन में एक दिन यीशु को मिलेगा, यीशु मुझे स्पर्श करेगा, उसने विश्वास किया था। एक दिन उसने बहुत बड़ा आवाज़ सुना, बहुत बड़ा आवाज़, बहुत लोग आते। उसने कुछ लोगों को पूछा क्या होते, यीशु आते हैं। उसको समझ में आया यही मेरा समय है, मैं ये समय नहीं छोड़ दूंगा। उसने अभी पुकारना शुरू किया, सब लोग आंख बंद करके देखो, उसने अभी ऊंची आवाज से बुलाया यीशु को, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। ऊंची आवाज से उसने पुकारा यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। कुछ लोग उसके बोला चिल्ला मत चुप रहो, चिल्ला मत चुप रहो, लेकिन उसने चुप नहीं रहा। उसको मालूम था ये मेरा समय है, ये मेरा मौका ईश्वर ने दिया है, यीशु मेरे पास आया है, अभी यीशु मेरे पास आता है, ये मौका मैं नहीं छोड़ देगा। दूसरे किसी ने कुछ भी बोलने दो,
लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने प्रार्थना किया, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। सब लोग ऐसा बर्तमेयुस जैसा प्रार्थना कीजिए, ये आप लोगों का मौका है। यीशु आपके लिए इधर इंतजार करते हैं, आपके समीप है। शीघ्र सब लोग ऊंचे आवाज से यीशु को बुलाइए, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ऊंचे आवाज से सब लोग मुंह खोल के बुलाइए, ये बर्तमेयुस जैसे बुलाइए, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। सब लोग यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अभी ऐसे बोलो, यीशु मेरा ईश्वर मुझ पर दया कीजिए, यीशु मेरा ईश्वर मुझ पर दया कीजिए। सब लोग ऊंचे आवाज से बुलाइए, ये समय आपके लिए दिया है। यीशु मेरा ईश्वर मुझ पर दया कीजिए, यीशु मेरा ईश्वर मुझ पर दया कीजिए। ऊंचे आवाज से हृदय के गहराई से बुलाइए, यीशु 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 बुलाइए।